नमस्कार। तकनीकी विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए आपके अपने श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट टेक्निकल हेल्पर और लाइनमैन सीरीज में आज जानते हैं ओम्स लॉ के बारे में और समझते हैं करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच में क्या मैथमेटिकल रिलेशन है और सिंपल कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है और जो इलेक्ट्रिक सर्किट की जो बहुत विशिष्ट स्थितियां हैं, स्पेसिफिक सर्किट कंडीशंस है, वन इज ओपन सर्किट एंड अनदर वन इज शॉर्ट सर्किट, जो खुला परिपथ और लघु परिपथ स्थितियां हैं वो क्या बात बताती हैं। शुरू करते हैं ओम्स लॉ एंड ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक विद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह की समय दर को धारा कहते हैं, या दूसरे शब्दों में किसी परिपथ में विद्युत मात्रा या आवेश जो कूलम्ब में प्रवाहित होता है और प्रवाह में जो समय लगता है उसके अनुपात को परिपथ की धारा कहते हैं, और परिपथ का वह गुण जो धारा प्रवाह का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसी प्रतिरोध विरोध के कारण परिपथ में धारा प्रवाह के लिए हमें विभव की आवश्यकता होती है, और 1826 में जॉर्ज साइमन ओम ने परिपथ में धारा, विभव और प्रतिरोध के बीच में आपस में क्या संबंध है इसके बारे में हमें बताया। ओम का जो नियम है वो कहता है कि अगर किसी विद्युत परिपथ में चालन की जो भौतिक स्थितियां हैं, ताप, चालक की ज्यामिति और दूसरी भौतिक स्थितियां अगर स्थिर रहे तो एक विद्युत परिपथ के दो सिरों के बीच में लगाया गया विभवांतर और परिपथ में जो प्रवाहित धारा है उसका अनुपात, विभव और धारा का अनुपात है, वो नियतांक रहता है, और इस नियतांक को हम परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट टाइम रेट ऑफ चार्ज फ्लो इज नोन एज करंट, और वी कैन डिफाइन करंट एज रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज विच इज फ्लोइंग इन सर्किट एंड द टाइम टेकन फॉर दैट चार्ज फ्लो, एंड एवरी सर्किट गॉट एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी टू अपोज फ्लो ऑफ करंट इन इट, एंड दैट ऑपोजिशन टू करंट फ्लो ऑफ सर्किट इज नोन एज सर्किट रेजिस्टेंस, एंड इट इज दिस रेजिस्टेंस विच डिमांड एप्लीकेशन ऑफ सोर्स वोल्टेज फॉर मेंटेनेंस ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इन 1826 जॉर्ज साइमन ओम डिस्कवर्ड अ रिलेशन बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस सर्किट, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड द सर्किट रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस सर्किट एंड द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज अ कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री एंड द फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टिंग सर्किट्स, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। एक विद्युत परिपथ के प्रतिरोध में लगाए गए विभवांतर और प्रवाहित धारा के अनुपात के स्थिर रहने से अर्थ है कि अगर परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर लगाए गए विभवांतर को दो गुना कर दिया जाएगा तो प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा भी दो गुना हो जाएगी, वी और आई का अनुपात नियत रहेगा। इसी को ओम के नियम अनुसार हम कह सकते हैं कि अगर किसी चालक में जो चालन की भौतिक स्थितियां हैं जैसे ताप और चालक की ज्यामिति वो अगर स्थिर रहे तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती है। हम गणित में इस तरह के जो समानुपाती संबंध होते हैं उन्हें अगर हम लेखा चित्र के रूप में प्रदर्शित करें तो इन दो पैरामीटर, परिपथ में लगाई गई विभवांतर और प्रतिरोध में प्रवाहित धारा के बीच में जो लेखा चित्र है वो मूल बिंदु से गुजरती हुई एक सरल रेखा होगी, और जो बता रही है कि अगर हम विभव का मान 5 वोल्ट से 7 वोल्ट कर देंगे तो परिपथ में प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर से 0.7 एम्पियर हो जाएगी, और आप दोनों स्थितियों में लगाए गए विभवांतर और धारा का अनुपात अगर देखें तो आप पाएंगे कि वो 10 ओम स्थिर है, और यही ओम का नियम है। इस तरह के जो अनुपातिक गणितीय संबंध होते हैं उन्हें हम एक बराबर का समीकरण बना सकते हैं, और समीकरण बनाते समय हमें किसी समानुपाती स्थिरांक का इस्तेमाल करना होता है, और यहाँ जो समानुपाती स्थिरांक का हम प्रयोग कर रहे हैं वो परिपथ में धारा चालन के विरोध को अभिव्यक्त करने वाला गुण प्रतिरोध R है, और R को हम इसी गणितीय संबंध में अगर I का पक्ष रूपांतरण कर दें तो I जो यहाँ गुणा में है वो दूसरी तरफ जाएगा तो V के साथ भाग में आ जाएगा, और इसी संबंध में अगर हमें V इक्वल टू IR रिलेशन में V और R मालूम हो और धारा I को ज्ञात करना हो तो R का अगर पक्ष रूपांतरण करते हैं तो वो दूसरी तरफ V को विभाजित करके V में R के विभाजन से I दे देगा। तो यहाँ जो V इक्वल टू IR, R इक्वल टू V अपॉन I या I इक्वल टू V बाई R दिखने में तीन अलग अलग संबंध दिखते हैं, वस्तुतः वो एक ही संबंध V इक्वल टू IR का बदले हुए रूप है। यहाँ V परिपथ प्रतिरोध के सिरों पर लगाया गया विभवांतर है, I प्रतिरोध में आर पार बहने वाली धारा है, और R उस परिपथ का
का प्रतिरोध है। आर को हम ओम इकाई में, विभव को वोल्ट इकाई में और धारा को एम्पियर इकाई में नापते हैं। धारा, विभव और प्रतिरोध के बीच में ये जो V इज इक्वल टू आई आर संबंध है, इसे अगर हम याद कर लेते हैं तो हमारी दूसरे प्रतिरोध के रूप V बटा I या धारा का रूप V बटा R याद करना या पक्ष रूपांतरण से नए रूप प्राप्त करना गणितीय रूप से सरल है। कुछ लोग इसी तीन समीकरणों को याद करने के लिए त्रिभुज का रूप लेते हैं और इस त्रिभुज में V को ऊपर और I और R को नीचे इस तरह से त्रिभुज में तीन स्थानों पर रखते हैं। और अब अगर V को निकालना है तो जो V है वो I और R का गुणा हो गया है। और इस आकृति में अगर हमें रेजिस्टेंस को ज्ञात करना है तो V ऊपर है, I नीचे है और ये V और I का अनुपात हो गया है। और अगर परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है तो आप देखिए कि यहाँ V ऊपर, R नीचे है और परिपथ की धारा V और R का अनुपात हो गई है। तो इस त्रिभुज के आकृति से V को ऊपर, I और R को नीचे रख के हम V इज इक्वल टू आई आर और R इज इक्वल टू V अपॉन I को चित्र रूप में भी याद कर सकते हैं। और अगर आप V इज इक्वल टू आई आर याद कर लेते हैं तो पक्ष रूपांतरण से R इज इक्वल टू V अपॉन I या I इज इक्वल टू V अपॉन R सहज रूप से प्राप्त हो सकते हैं। कुछ गणितीय संबंधों के प्रश्न करते हैं तो ये जो V I और R में संबंध है ये और ज्यादा स्पष्ट हमें ज्ञात हो जाएगा। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस टू टर्मिनल्स एंड करंट फ्लोइंग थ्रू दीज टू टर्मिनल्स इज अ रेशो एंड दैट रेशो इज नोन एज सर्किट रेजिस्टेंस इज ओम्स लॉ एंड ओम्स लॉ कैन ऑल्सो बी स्टेटेड लाइक दिस। इफ इन अ कंडक्टिव पार्ट फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर रिमेन्स द सेम देन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस कंडक्टर आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एंड सच प्रोपोर्शनल रिलेशन मीन्स व्हेन यू डबल वोल्टेज करंट विल ऑल्सो डबल एंड द रेशियो ऑफ टू रिमेन्स द सेम। सच प्रोपोर्शनल रिलेशन इफ फॉर्म ए कैरेक्टरिस्टिक रिलेशन देन वोल्टेज एंड करंट गॉट ए रिलेशन विच इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन एंड दिस स्ट्रेट लाइन इंडिकेट व्हेन वोल्टेज इज 5 वोल्ट एंड करंट इज 0.5 एम्पियर एंड द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट इज 10 ओम एंड इफ वोल्टेज इज चेंज्ड फ्रॉम 5 टू 7 ओम करंट विल चेंज प्रोपोर्शनली फ्रॉम 0.5 टू 0.7 एम्पियर एंड द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट नाउ इज अगेन 10 ओम कांस्टेंट। नाउ सच प्रोपोर्शनल रिलेशन कैन बी मेड इनटू एन इक्वालिटी रिलेशन यूजिंग सम कांस्टेंट एंड द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट टू कन्वर्ट वी प्रोपोर्शनल टू आई रिलेशन इनटू इक्वालिटी इज अ रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट एंड आवर रिलेशन विल बिकम V इज इक्वल टू आई आर। हियर V इज वोल्टेज अप्लाइड इन सर्किट एंड वोल्टेज इज मेजर्ड इन वोल्ट्स। I इज करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड इट इज मेजर्ड इन एम्पियर एंड R इज रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट एंड इज मेजर्ड इन ओम यूनिट। इफ वी वॉन्ट टू नो रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस रिलेशन एंड इफ वी चेंज द साइड ऑफ करंट हेयर विच इज इन मल्टीप्लीकेशन विद R व्हेन शिफ्ट टू अनदर साइड इट विल डिवाइड वोल्टेज एंड व्हेन करंट डिवाइड वोल्टेज द रेशियो V इज टू I बिकम रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। एंड सिमिलरली इफ आई वॉन्ट टू नो करंट फ्रॉम दिस V इज इक्वल टू आई आर रिलेशन आई हैव टू ट्रांसफर साइड ऑफ R फ्रॉम दिस मल्टीप्लीकेशन व्हेन इट मूव्स टू अनदर साइड इट डिवाइड वोल्टेज एंड व्हेन वी डिवाइड वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस विल गेट करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सो दिस V इज इक्वल टू आई आर रिलेशन विल बिकम R इज इक्वल टू V अपॉन I और I इज इक्वल टू V अपॉन R। टू रिमेंबर मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस पीपल ड्रॉ ए ट्रायंगुलर शेप विद V ऑन अपर पोजीशन एंड I एंड R एट लोअर टू पोजीशंस एंड दीज थ्री नाउ इंटररिलेटेड एज इफ यू वांट टू नो V I एंड R आर साइड बाय साइड सो द प्रोडक्ट ऑफ I एंड R करंट एंड रेजिस्टेंस बिकम्स वोल्टेज ऑफ सर्किट। सिमिलरली इफ यू वांट टू नो रेजिस्टेंस देन V एट अपर पोजीशन एंड I इज एट लोअर पोजीशन इंडिकेट दैट द रेशियो ऑफ V इज टू I इज सर्किट रेजिस्टेंस एंड द सेम ट्रायंगुलर शेप विल गिव अस वैल्यू ऑफ करंट I एज रेशियो ऑफ V इज टू R एज इट इज क्लियर फ्रॉम दिस ट्रायंगुलर फॉर्मेट। सो दिस ट्रायंगुलर रिलेशन और ड्रॉइंग कैन बी यूज टू रिमेंबर V इज इक्वल टू आई आर और R इज इक्वल टू V अपॉन I और I इज इक्वल टू V अपॉन R। वी कुड अंडरस्टैंड मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस एज V इज इक्वल टू आई आर और R इज इक्वल टू V अपॉन I और I इज इक्वल टू V अपॉन R व्हेन वी प्रैक्टिस सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ए सर्किट
has a source of 10 volt battery and a circuit resistance of 5 ohm. We have to find out current through this circuit. एक विद्युत परिपथ में स्रोत विभव एक 10 वोल्ट की बैटरी है और परिपथ का प्रतिरोध अगर 5 ओम है तो इस विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है और अगर हम I को ओम के नियम से ज्ञात करना चाहते हैं तो इस त्रिभुज में V ऊपर है और R नीचे है तो I V और R का अनुपात हो गया है और अगर हमने V इक्वल टू IR रूप में ओम के नियम के गणितीय संबंध को याद कर रखा है तो I को ज्ञात करने के लिए R का जब पक्ष रूपांतरण करेंगे तो वो V में भाग में R नीचे आ जाएगा। विभव बैटरी 10 वोल्ट की है, प्रतिरोध 5 ओम का है तो 10 वोल्ट और 5 ओम का अनुपात 2 एम्पियर परिपथ की धारा हो गई है। If we use this triangular drawing of Ohm's law and to find out current, we could very well understand that it is ratio of V is to R. So I is V is to R. And from this V is equal to IR mathematical relation, if one has to find out I, when the side of this resistance R is shifted to other side, then this R is in multiplication with current. When it's transferred to another side, it will divide voltage and voltage divided by resistance will give me current. And circuit voltage is 10 volt, circuit resistance is 5 ohm. So the ratio of 10 is to 5 is 2 ampere, the circuit current. In the same question, it is asked what will happen to circuit current if resistance of circuit is doubled. So the source voltage remains the same 10 volt and if circuit resistance which is opposition to current flow is doubled from 5 ohm, it become 10 ohm. Then circuit current, if we take V by R ratio as current, will reduce to 1 ampere. So doubling circuit resistance will reduce current to half, that is to 1 ampere. इसी प्रश्न में पूछा गया था कि इस 10 volt source से जो resistance 5 ohm जुड़ा है, इसका मान अगर हम 2 गुना कर देते हैं, तो परिपथ की धारा जो पहले 2 ampere थी, उसके साथ क्या परिवर्तन होगा? तो अगर हम V is equal to IR relation से I is equal to V by R देखें, और 10 volt के साथ अब resistance 5 से दुगना 10 ohm हो, तो आप पाएंगे कि हमारी परिपथ की जो धारा है, वो 10/10 1 ampere पहले से आधी रह जाएगी, तो साफ जाहिर है अगर परिपथ में धारा प्रवाह का विरोध 2 गुना हो गया है तो परिपथ में बहने वाली धारा उसी स्रोत विभव के साथ आधी 2 एम्पियर के बजाय 1 एम्पियर रह गई है। इसी प्रश्न का अगला हिस्सा है कि अगर परिपथ का प्रतिरोध तो वही 5 ओम रहे और जो सोर्स वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड अगर 10 वोल्ट की बजाय 2 गुना 20 वोल्ट कर दिया जाए तो परिपथ की धारा V / R धारा अगर प्रतिरोध स्थिर है तो विभव के समानुपाती है और अगर आपने विभव को दुगना कर दिया है तो धारा भी 2 एम्पियर की बजाय 4 एम्पियर 20/5 4 एम्पियर पहले से दुगनी हो गई है। एंड इन द सेम क्वेश्चन इट इज आस्क्ड व्हाट विल हैपन टू सर्किट करंट इफ विद द सेम सर्किट रेजिस्टेंस सोर्स वोल्टेज इज डबल्ड। सो इफ आई मेंटेन सोर्स रेजिस्टेंस सेम 5 ओम एंड इंक्रीज और डबल वोल्टेज फ्रॉम 10 वोल्ट टू 20 वोल्ट करंट V / R V is to R ratio for doubled voltage become 4 ampere which is just double of 2 ampere. So when you double voltage, current proportional to voltage also get doubled. प्रश्न है कि एक परिपथ में 10 ओम प्रतिरोध में अगर बहने वाली धारा 2 ampere है तो उसके सिरों पर कितना विभवांतर लगाना होगा? The question is if circuit resistance is 10 ohm and current flowing through that resistance is 2 ampere, then what voltage should be applied across this resistance? If I learn Ohm's law, then mathematical relation between voltage, current and resistance is V is equal to IR and in this triangular drawing if I have to find out V, I and R are in the same line. So V is product of I and R. So here circuit current is 2 ampere and circuit resistance is 10 ohm and the product of IR is voltage applied across resistance. For 2 ampere current in 10 ohm we have to apply 20 volt. A circuit has a source voltage of 10 volt as a battery and current flowing in the circuit is 5 ampere. We have to find out circuit resistance. So in V is equal to IR relation, if one has to find out R, then R is ratio of voltage to current. In this triangular shape, if one has to find out R, then R is ratio of V is to I. Now here V is 10 volt and I is 5 ampere. So 10 is to 5 ratio is 2. R got unit ohm. So the circuit resistance is 2 ohm. Now the next part of this question is what will happen to circuit current if resistance of circuit is doubled. So if I double this circuit resistance from 2 ohm to 4 ohm with same supply voltage, now the current I is V / R. V is 10 volt, R is 2 times of 2,
that is 4 ohm. So the circuit current will become 2.5 ampere, which is just half of earlier current. So resistance is opposition to current flow, and if opposition get increased, the amount of current flow will proportionally decrease. Now the next part of this question is, what will happen to circuit current if source voltage of initial circuit resistance is doubled? So initial circuit resistance is 2 ohm, and if I double voltage, then the circuit current I is a ratio of V is to R. V is 2 times of 10 volt, 20. Circuit resistance is the same 2 ohm, and the current will become 10 ampere, which is just double of initial earlier current, because current and voltage are proportional to each other for the same circuit resistance, and if voltage get doubled, current will also get doubled. From 5 ampere it will become 10 ampere. Hindi mein bhi isi prashn ko samajh lete hain. Ek paripat mein strot vibhav 10 volt ki battery hai, aur paripat mein agar dhara 5 ampere hai, to paripat ka pratirodh kya hoga? Hamara jo ohm ke niyam ka ganitiya sambandh hai, wo hai V barabar hai I aur R ke gunanfal ke. Ise aap rupantaran karke R ke liye nikalna chahte hain, to I ka paksh rupantaran karne par wo V mein yahan vibhajan par aa jayega, aur paripat ka pratirodh vibhavantar aur dhara ka anupat ho jayega. Aap ise is ट्रायंगल की आकृति से भी याद कर सकते हैं. आर ज्ञात करने के लिए वी ऊपर है, आई नीचे है, तो ये वी और आई का अनुपात हो गया है. परिपथ में विभवांतर 10 वोल्ट है, करंट 5 एम्पीयर है, 10 और 5 का अनुपात 2 इकाई प्रतिरोध की ओम है, तो इस परिपथ का प्रतिरोध 2 ओम आ गया है. इसी प्रश्न का अगला भाग था कि परिपथ में धारा कितनी हो जाएगी अगर परिपथ का प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए. तो प्रतिरोध धारा प्रवाह का विरोध है, और अगर इस विरोध को 2 ओम के बजाय हम 4 ओम कर देते हैं, तो अगर इस पक्ष रूपांतरण के बाद हम आई का मान ज्ञात करने के लिए संबंध को V बाई R लिखें, V वही 10 वोल्ट है, R 2 का दुगना 4 ओम हो गया है, तो परिपथ में जो धारा है 10 में 4 का भाग देने पे वो 2.5 एम्पीयर पहले से आधी हो गई है. तो साफ जाहिर है अगर परिपथ में प्रतिरोध अधिक होगा तो धारा का मान कम हो जाएगा. इसी प्रश्न का आखिरी हिस्सा है कि अगर हम वही पुराना परिपथ प्रतिरोध 2 ओम के साथ परिपथ के विभवांतर को 10 वोल्ट की बजाय 20 वोल्ट कर देते हैं, तो नई परिपथ की धारा क्या होगी? तो धारा V और R का अनुपात है, विभव 10 की बजाय 20 वोल्ट कर दिया है, प्रतिरोध वही 2 का 2 ओम है, तो आप देखेंगे V बाई R 20 में 2 का भाग 10 एम्पियर हमारी नई धारा आ गई है. और साफ जाहिर हो रहा है कि अगर विभव को आपने 2 गुना कर दिया है, तो उसी अनुपात में धारा भी 2 गुनी होके 5 एम्पियर जो पहले थी उससे 2 गुनी 10 एम्पियर हो गई है. एक और प्रश्न लेते हैं, अगर एक परिपथ में प्रतिरोध का मान 10 ओम है, तो उसमें क्या धारा का प्रवाह होगा अगर उसके सिरों पर हमने 50 वोल्ट का विभव आरोपित कर रखा है? तो हमारा जो V इक्वल टू IR रिलेशन है, उसमें हमें I ज्ञात करना है, तो R दूसरे पक्ष में जाएगी, तो V से भाग देने पर R का हमें परिपथ की धारा ज्ञात हो जाएगी. इस त्रिभुजाकार चित्र से भी आप परिपथ की धारा V और R के अनुपात के रूप में याद कर सकते हैं. परिपथ में अगर मैंने विभव 50 वोल्ट लगाया है, प्रतिरोध 10 ओम है, तो 50 और 10 का अनुपात 5 परिपथ की धारा एम्पियर इकाई में हो गई है. इसी प्रश्न को अंग्रेजी में अगर समझें, वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस व्हेन वी हैव अप्लाइड 50 वोल्ट अक्रॉस इट एंड आवर ओम्स रिलेशन इज V इक्वल टू IR एंड आई हैव टू फाइंड आउट I. सो व्हेन आई ट्रांसफर साइड ऑफ दिस R टू अदर साइड इट गेट डिवाइडेड from V, and when I divide V by R, I get current. The same relation of current can be understood from this triangular drawing, and I is ratio of V is to R. Now here circuit voltage is 50 volt and circuit resistance is 10 ohm, and 50 divided by 10 is 5, and current got unit ampere. So my circuit current is 5 ampere. One peculiar condition of electric circuit is known as open circuit. In an open circuit, as in this open position of switch, there is infinite high resistance of circuit. So when circuit resistance is infinite, there won't be any current flow in the circuit. So such conditions where circuit resistance become infinite and current flow becomes zero is known as open circuit. Now such conditions can arise in circuit when any switching device got open condition of its contact or some connecting wires get broken, and there will be no current flow in such open circuit conditions. And in this open conditions, the whole source voltage, here EMF of circuit, will come across open terminals, and open terminal position voltage will become maximum equal to the source voltage. विद्युत परिपथ की एक अलग एक विशिष्ट स्थिति ओपन सर्किट खुली परिपथ स्थिति है. परिपथ की खुली स्थिति का अर्थ है कि उस परिपथ भाग के श्रेणी
शरीर में जब कोई परिपथ भाग खुल जाता है तो तुल्य प्रतिरोध अनंत हो जाता है और ऐसी स्थिति में परिपथ में प्रवाहित धारा का मान शून्य हो जाता है। आमतौर पर ऐसी परिपथ की जो खुला स्थितियां हैं वो तब होती है जब नियंत्रण के लिए हम जो स्विच का इस्तेमाल करते हैं उनके संपर्क आपस में खुले हुए हों या जो संपर्क तार हमने इस्तेमाल किए हैं परिपथ को जोड़ने के लिए वो संपर्क टूट गए हों, तो हमारी परिपथ की खुला परिपथ स्थितियों में परिपथ प्रतिरोध अनंत हो जाता है और परिपथ की धारा शून्य हो जाती है। ऐसी खुली परिपथ स्थितियों में जो खुले संपर्क स्थल हैं जैसे स्विच के ये दो टर्मिनल, उन पर अगर हम विभव का मापन करें तो ये विभव अधिकतम और वो स्रोत विद्युत वाहक बल के बराबर प्राप्त होगा। अनदर एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज शॉर्ट सर्किट। एट शॉर्ट सर्किट कंडीशन बोथ रेजिस्टेंस अक्रॉस शॉर्ट सर्किट पॉइंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शॉर्ट सर्किट पोजीशन विल बिकम जीरो एंड इन सच शॉर्ट सर्किट कंडीशंस द सर्किट करंट इज लिमिटेड बाय अदर सीरीज रेजिस्टेंस। नाउ सच शॉर्ट सर्किट्स विल अकर इन सर्किट व्हेन इंसुलेशन गेट डिफेक्टिव एंड द टू पोटेंशियल पॉइंट्स गेट इंटरकनेक्टेड बाय द फेलर ऑफ इंसुलेशन। समटाइम्स रॉन्ग इलेक्ट्रिक कनेक्शन इन इलेक्ट्रिक वायरिंग रिजल्ट्स इन शॉर्ट सर्किट कंडीशंस एंड सच शॉर्ट सर्किट कंडीशंस विल कॉज लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो व्हिच क्रिएट हजार्ड्स एंड डैमेज टू अवर सर्किट्स एंड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट वी प्रोवाइड फ्यूज और एनी अदर ओवर करंट लिमिटिंग प्रोटेक्शन इन द सीरीज पार्ट ऑफ द सर्किट। सच फ्यूज इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट विल ब्लो आउट एंड इन दैट कंडीशंस दे विल ओपन द सर्किट एंड दिस disconnect source EMF from remaining circuit and ensure safety of circuit component. परिपथ की एक अन्य चरम स्थिति शॉर्ट सर्किट लघु परिपथ है। लघु परिपथ की स्थिति में जिन सिरों पर लघु परिपथ हुआ है वहां तुल्य प्रतिरोध और विभवांतर शून्य हो जाता है और ऐसी स्थिति में जो परिपथ में बहने वाली धारा है उसका नियंत्रण इस लघु परिपथ भाग के साथ श्रेणी में अन्य प्रतिरोध तय करते हैं और अगर अन्य प्रतिरोध का मान काफी कम या नेग्लिजिबल स्मॉल हो तो परिपथ में बहने वाली धारा अत्यधिक खतरनाक स्थितियों में ज्यादा हो सकती है। ऐसे लघु परिपथ स्थितियां हैं वो परिपथ में दो अलग अलग विभव को कुचालित करने के लिए जो हमने कुचालक इस्तेमाल किए हैं उनके कुचालन के नष्ट होने पर या परिपथ में गलत संयोजन कर दिए जाने पर हो सकते हैं और शॉर्ट सर्किट कंडीशंस पर परिपथ की धारा खतरनाक ज्यादा हो जाएगी और ऐसी खतरनाक धारा परिपथ के अवयव वायरिंग और नियंत्रण के जो स्विच और दूसरे उपकरण हैं उनको नष्ट कर सकती है और आग जैसी दुर्घटनाएं भी पैदा कर सकती है और ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिपथ के श्रेणी में हम शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए फ्यूज जैसे रक्षण उपाय करते हैं और अति भार की स्थितियों में जब शॉर्ट सर्किट होता है तो ये फ्यूज जो कि कमजोर वायरिंग का हिस्सा है वो उच्च धारा से तत्काल गलन स्थितियों को पा लेता है और ऐसी स्थिति में परिपथ को खुला स्थिति बनाकर स्रोत विभव को परिपथ से अलग थलग कर देता है और परिपथ के अवयवों को सुरक्षित रखता है। परिपथ में खुला परिपथ स्थिति और लघु परिपथ स्थितियों के बीच में एक बहुत रुचिकर तुलना करते हैं। जब परिपथ में स्विच के खुला या संपर्क तार के टूटने से जो ओपन सर्किट खुला परिपथ स्थिति होती है तो वहां परिपथ का प्रतिरोध अनंत हो जाता है और ऐसी स्थितियों में श्रेणी का तुल्य प्रतिरोध भी अनंत होने से परिपथ की धारा शून्य हो जाती है। तो खुला परिपथ स्थिति में प्रतिरोध अनंत और धारा शून्य है। वहीं लघु परिपथ स्थिति का तुल्य प्रतिरोध शून्य हो गया है और शून्य प्रतिरोध में चाहे कितनी भी अधिक लघु परिपथ स्थितियों की धारा क्यों ना हो विभवांतर शून्य हो गया है। तो लघु परिपथ स्थिति का प्रतिरोध शून्य है, विभव भी शून्य है, वहीं खुला परिपथ का प्रतिरोध शून्य की बजाय अनंत और धारा शून्य है। तो खुला परिपथ में धारा शून्य है और लघु परिपथ स्थानों पर विभव शून्य है। खुला परिपथ स्थितियों में जब परिपथ की धारा शून्य हो गई है तो श्रेणी में सभी जो दूसरे भार प्रतिरोध है उनमें शून्य विभवपात होगा और संपूर्ण स्रोत विद्युत वाहक बल खुला परिपथ की स्थितियों में खुला परिपथ की जो टर्मिनल वोल्टेज है सिरों का विभवांतर है वो स्रोत विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। तो खुला स्थितियों में विद्युत वाहक बल अधिकतम स्रोत विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है। वहीं लघु परिपथ स्थितियों में जो परिपथ का भाग है उसका प्रतिरोध तो तुल्य रूप में शून्य हो गया है और जो श्रेणी में दूसरे प्रतिरोध है वही परिपथ की
की धारा का नियंत्रण करेंगे और स्रोत का संपूर्ण विद्युत वाहक बल ऐसे छोटे सीरीज रेजिस्टेंस के साथ जो ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के रेशो के रूप में जो धारा बनाएगा वो लघु परिपथ भाग में बहेगी और अत्यधिक ज्यादा होगी और उपकरणों को अति भार से नुकसान भी हो सकता है और आग जैसी दुर्घटनाएं भी लघु परिपथ स्थितियों में हो सकती है। तो लघु परिपथ एक खतरनाक परिपथ स्थिति हो सकती है जिसे हर हाल में हमें रोकना चाहिए। लेट्स मेक एन इंटरेस्टिंग कंपैरिजन बिटवीन ओपन सर्किट कंडीशन एंड शॉर्ट सर्किट कंडीशन। इन ओपन सर्किट कंडीशन सर्किट रेजिस्टेंस विल बिकम इनफाइनाइट एंड इन सच इनफाइनाइट सर्किट कंडीशंस व्हेन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिकम इनफाइनाइट सर्किट करंट विल बिकम जीरो। सो इन ओपन सर्किट कंडीशन रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट एंड करंट इज जीरो, वेयर एज इन शॉर्ट सर्किट कंडीशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट पाथ विल बिकम जीरो एंड व्हाटसोएवर द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस शॉर्ट सर्किट पाथ द वोल्टेज अक्रॉस शॉर्ट सर्किट पोजीशन विल आल्सो बिकम जीरो। सो इन शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस एज वेल एज वोल्टेज इज जीरो, वेयर एज इन ओपन सर्किट कंडीशन रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट एंड करंट इज जीरो। इन ओपन सर्किट कंडीशन व्हेन सर्किट करंट इज जीरो ऑल सीरीज रेजिस्टेंस हैव जीरो वोल्टेज ड्रॉप एंड कंप्लीट सोर्स ईएमएफ विल कम अक्रॉस ओपन सर्किट टर्मिनल्स। सो ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज विल बिकम इक्वल टू सोर्स ईएमएफ और इट बिकम मैक्सिमम। वेयर एज इन शॉर्ट सर्किट कंडीशंस व्हेन शॉर्ट सर्किट पोजीशन गॉट जीरो वोल्टेज अक्रॉस इट द सोर्स ईएमएफ विल कम अक्रॉस अदर सीरीज एलिमेंट्स एंड इफ दो सीरीज एलिमेंट्स आर स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट और रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर देन द शॉर्ट सर्किट करंट विल बिकम ई बाई आर ईएमएफ बाई इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इट विल बिकम मैक्सिमम एंड डेंजरसली हाई एंड कैन कॉज डैमेज टू अदर सर्किट कंपोनेंट्स एंड वायरिंग एंड इवन कॉज एक्सीडेंट्स लाइक फायर। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से आपको ओम्स लॉ ठीक से समझ में आ गया है और ओम्स लॉ से रिलेटेड करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस की जो न्यूमेरिकल संख्यात्मक प्रश्न आते हैं उन्हें भी हल करना आपको समझ में आया होगा और जो हमारे विद्युत परिपथों की दो खास स्थितियां हैं खुला परिपथ और लघु परिपथ ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट कंडीशंस वो भी आपकी समझ में आई होगी। इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से आपकी प्रोफेशनल प्रैक्टिस और कंपटीशन एग्जाम में परफॉर्मेंस सुधरेगी और हमारी दूसरी प्लेलिस्ट आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समझ को मजबूत बनाएगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलेंगे एक इतनी ही खूबसूरत लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।